नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में, और मैं हूं आपके साथ आरती। जैसा कि हम जानते ही हैं, आज अष्टमी का दिन है और आज महाअष्टमी है, यानी कि आज माँ गौरी का दिन है। बता दें आपको, कल नवमी के साथ नवरात्र का ये पर्व भी ख़त्म हो जाएगा और आज महाअष्टमी पर बड़ा ही शुभ योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से महागौरी अब इन छह राशियों पर मेहरबान हो चुकी है। बता दें आपको, आज सर्वार्थ सिद्धि योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रहों की बदलती चाल की वजह से हर इंसान का जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ज्योतिष के जानकार ऐसा कहते हैं कि ग्रहों की स्थिति में कई प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। और ग्रहों के बदलाव में, ग्रहों के लगातार बदलाव होने के कारण कई योग बनते हैं और ये योग 12 राशियों में से किसी न किसी राशि के लिए बहुत ही शुभ साबित होते हैं, तो किसी राशि के लिए ये अशुभ भी साबित होते हैं। अब ज्योतिष की गणना के अनुसार हम आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया आपको, आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर महागौरी की विशेष कृपा बन रही है और उन राशि वाले जातकों को महागौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो राशियां जिनके ऊपर महागौरी का आशीर्वाद उन लोगों को मिल रहा है। इस क्रम में पहली राशि आती है, वो है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के ऊपर महागौरी मेहरबान रहने वाली है। ये अपने सभी कामों को प्राथमिकता देते हुए उसमें सफलता महागौरी के आशीर्वाद से हासिल कर लेंगे। मित्रों का सहयोग मिल रहा है। घर परिवार की उम्मीदों पर ये लोग खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों की अगर बात करें तो पढ़ाई लिखाई में मन लगने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। महागौरी के आशीर्वाद से इन लोगों को हर काम में अब सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिद्ध रहने वाला है। वाहन सुख की आप लोगों को प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर जहां आप लोग काम करते हैं, वहां आपको अपने कलीग से काफ़ी मदद मिल सकती है। इस क्रम में अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को महागौरी की कृपा से सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फल उसमें देखने को मिल सकते हैं। अचानक आपको कई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, जिससे आपका मन आनंदित रहने वाला है। आप लोग किसी शुभ यात्रा पर भी जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को महागौरी के आशीर्वाद से आमदनी के नए स्रोत प्राप्त होने वाले हैं। घर परिवार में मांगलिक कामों का आयोजन हो सकता है। आप अपने व्यापार में लगातार तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों से आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। आप सभी समस्याओं को अपने दिमाग से समाधान कर लेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्लान कर सकते हैं। इस क्रम में अगली राशि है कुंभ राशि। बता दें आपको, महागौरी का विशेष आशीर्वाद कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है। घर परिवार की ज़रूरतों को आप समय से पहले ही पूरा कर देंगे। आपकी आमदनी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खान पान में अधिक रुचि रहने वाली है आपकी। पति पत्नी के साथ जो मनमुटाव चल रहा है वो भी अब खत्म होने वाला है, जिससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाला है। इस क्रम में अगली और अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। बता दें आपको, महागौरी की कृपा से आप लोगों को कई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। कामकाज का दबाव रह सकता है, लेकिन जितना दबाव आप लोगों के ऊपर रहेगा, उतना ही अच्छे से आप अपने कार्य क्षेत्र में निखर कर सामने आने वाले हैं।
आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे, आपका उधार दिया गया धन आप लोगों को वापस मिलता हुआ दिख रहा है। घर परिवार के लिए नए कपड़े और आभूषणों की खरीदारी की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने वाला है। संतान आपकी बातों को ही मानेगी। और आपको बता दे, धर्म कर्म के मामलों में आप लोगों की रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही। तो ये थी वो 6 भाग्यशाली राशियां।